हाय फ्रेंड्स, मैं दीपाश्री स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीपाश्री कुमारी में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी जो तरबूज के छिलके से बनाएंगे, और इसे आप केक या किसी भी आइसक्रीम पर इसे डेकोरेट कर उसे और भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए टूटी फ्रूटी बनाना शुरू करते हैं। टूटी फ्रूटी बनाने के लिए हमने यहाँ तरबूज के छिलके लिए हैं। इसके हम ग्रीन वाले हिस्से को अच्छी तरह से छील लेंगे, और अंदर की तरफ जो रेड वाली है इसे भी हम अच्छी तरह से छील लेते हैं, और ये वाइट वाली जो है उसे हम छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। इसी तरह से हम सभी को काट कर रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी को काट कर रख लिए हैं, और इसे हम अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद इसे हम छान लेंगे। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, और पानी जब बॉयल हो जाएगी तो इसमें हम सारे कटे हुए तरबूज के छिलके को डाल देते हैं, और इसे हम लगभग 5 मिनट तक हाफ बॉयल करेंगे। इसे हम ढक देते हैं, और 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये हाफ बॉयल हो चुकी है और इसका कलर जो है हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो अब हम इसे छान लेते हैं। तो इन सभी को हम छान कर प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी को छान लिए हैं। अब हम उसी बाउल को लेंगे, और उसमें हम लगभग 2 कप या 2 कटोरी हम इसमें चीनी डालेंगे, और जितना हम इसमें चीनी डालेंगे उसका आधा हम इसमें पानी डालेंगे। तो 1 कटोरी पानी इसमें हमने डाल दिए हैं, और वजन से देखें तो ये चीनी हमने लगभग 500 ग्राम लिए हैं। इसे हम मेल्ट होने देते हैं। चीनी जब अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी और इसमें अच्छी तरह से उबाल आना शुरू हो जाएगी, तो इसमें हम बॉयल किए हुए तरबूज के छिलके को हम डाल देंगे, और वापस इसे हम ढक देंगे, और लगभग 5 मिनट तक इसे हम वापस बॉयल होने देंगे। और 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये तरबूज के जो छिलके हैं अच्छी तरह से पक चुकी है, और इसकी जो चाशनी है वो भी इसमें लगभग सेट हो चुकी है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे, और इसे हम नीचे उतार लेते हैं, और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगी तो इसमें हम 1 चम्मच लगभग केवड़ा एसेंस डाल देते हैं। आप कोई भी एसेंस डाल सकते हैं, या फिर आपके पास नहीं हो तो इससे आप नहीं भी डाल सकते हैं। और इसे डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं, और जितने कलर में आपको टूटी फ्रूटी बनाने हैं उतने प्लेट में आप इसे निकाल कर रख लेंगे। और इसके बाद हम इसमें सभी में अलग अलग कलर मिला कर के रखेंगे। तो यहाँ पर हमने 8 भागों में इसे डिवाइड कर लिए हैं, और अब हम ये लिक्विड कलर इन सभी में डालेंगे, और इसके बाद हम इसे चम्मच से मिला लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना अच्छा बनकर तैयार हो रहा है। और इसी तरह से हम सभी में अलग अलग कलर डाल करके इसे हम मिला लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी में कलर मिला लिए हैं, और अब हम इसे 2 घंटे तक इसी तरह से रहने देंगे, और 2 घंटे के बाद अब हम इसे प्लेट में छान करके निकाल लेंगे, और चाशनी को हम इसमें नहीं निकालेंगे, जो
थोड़े से चाशनी ही इसमें बचे हुए हैं, तो इन सभी को हम छान करके इस तरह से निकाल कर रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी यह रेसिपी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो यहाँ पर हमने सभी को छान करके इस तरह से रख लिए हैं, और ध्यान रखें कि ये कलर एक दूसरे में नहीं चिपकनी चाहिए, नहीं तो ये दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। और ये जो चाशनी बची हुई है इसका आप किसी भी रेसिपी में उपयोग कर सकते हैं। अब हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए पंखे के नीचे छोड़ देंगे सूखने के लिए, या फिर आप इसे 2 घंटे के लिए कड़ी धूप में भी सुखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए सूखने के बाद इसका कलर जो है कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है, और अब ये टूटी फ्रूटी भी बनकर तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, मिलते हम इसी तरह की और भी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।